नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। हमें बहुत सारे सवाल आ रहे थे इनकम सर्टिफिकेट के बारे में उन लोगों से जो डीजी कैटेगरी के तहत आते हैं, तो हमने सोचा हम एक वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों के सवाल का जवाब दें। बहुत से लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि मैम, हम डीजी कैटेगरी के तहत आते हैं तो क्या हमें इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि मैम, हम डीजी कैटेगरी के तहत आते हैं और इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा, तो हम क्या करें, आप प्लीज बताइए। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप डीजी कैटेगरी के तहत आते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आप अगर डीजी कैटेगरी के तहत आते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि डीजी कैटेगरी आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए नहीं है, वह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। डीजी कैटेगरी डिसएडवांटेज ग्रुप है, उन लोगों का समूह जिन्हें बहुत समय से आगे बढ़ने के मौके नहीं मिले, और इस समूह में जो लोग आते हैं वह एससी लोग होते हैं, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति, एसटी लोग यानी शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, वह बच्चे जो अनाथ हैं ऑर्फन बच्चे, वह बच्चे जो ट्रांसजेंडर हैं ट्रांसजेंडर बच्चे, और वह बच्चे जो एचआईवी से अफेक्टेड हैं। यह सारे कैटेगरीज मिलके, यह सारे लोग मिलकर एक बड़ी कैटेगरी बनाते हैं जिसका नाम है डीजी कैटेगरी, और इस कैटेगरी के इन सभी लोगों को इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट केवल उन्हीं लोगों को चाहिए जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी उनके पास यदि बीपीएल कार्ड, आय कार्ड या फूड सिक्योरिटी कार्ड नहीं है, तभी उन्हें इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत है। कोशिश करी है इस सवाल का जवाब आपको विस्तार से दूं, क्योंकि यह बात समझनी आपको बहुत जरूरी है कि इनकम सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए और क्यों नहीं चाहिए। साथ ही साथ आप सभी को कहना चाहूंगी कि आप लोगों के लिए वीडियोज बनाने के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, तो आप सभी से यह मदद चाहते हैं, आप सभी से यह सहायता चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं कि आप भी हमारी मदद करें और हमारी वीडियोस अपनी फेसबुक वॉल पर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बनाई गई वीडियोस पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी द्वारा की जा रही मेहनत का लाभ उठा सकें। व्हाट्सएप के थ्रू इसे अपने दोस्तों को भेजिए और सबको जरूर बताइए कि सबकी शिक्षा शिक्षा को सुधारने के क्षेत्र में काम कर रही है। और एक अपील करना चाहूंगी जो मैं पिछले साल से करती आ रही हूं और आगे भी करूंगी, कि वह बच्चे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आते हैं, वह बच्चे डीजी कैटेगरी के तहत आते हैं, और वह बच्चे जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत आते हैं, अगर आपके आसपास रहते हैं या फिर आप ऐसे बच्चों को जानते हैं जो इन कैटेगरी में आते हैं और उन बच्चों को इस बात की जानकारी नहीं है कि वह इन कैटेगरीज के तहत आते हैं, तो उन बच्चों को और उनके माता पिताओं को इसकी जानकारी दीजिए। आप थोड़ा सा हाथ अपना आगे बढ़ाइए, इन बच्चों की मदद करिए, क्योंकि यदि इनके बच्चों के माता पिता सही कागजात बनवा पाए, फॉर्म को सही भरकर उसकी सही जानकारी भर पाए, और अगर इनके बच्चों का नाम कंप्यूटराइज ड्रॉ में आ गया, तो इन बच्चों की जिंदगी तो बदलेगी ही, साथ ही साथ परिवार की भी जिंदगी बदलेगी। और यकीन मानिए, आपके द्वारा की गई बहुत छोटी सी मदद किसी परिवार की दुनिया भी बदलेगी, आपको दुआएं मिलेंगी और आपको मन ही मन इतना अच्छा लगेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।